ओम शांति एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। गत दो वर्षों से हम सभी का जीवन कुछ बदल सा गया है। सोचने का तरीका, कर्म करने का तरीका, संबंध में आने का तरीका, संबंध निभाने का तरीका सब बदल गया है। ये तो पहले से ही, जब से इंटरनेट आया है, सारी दुनिया बहुत छोटी सी लगने लगी है। परंतु इन दिनों में टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट के कारण सारी दुनिया बहुत ज़्यादा सूक्ष्म सी नज़र आने लगी है। हम सभी का दृष्टिकोण सभी के प्रति बदल सा गया है। गत वर्षों में हम सभी ने बहुत कुछ खोया है तो बहुत कुछ पाया भी है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो सभी ने पाई है वो है अनुभव, जो कहता है कि आने वाला समय बहुत नाजुक है। और नाजुक समय में सर्वाइव वही कर सकता है जो फिटेस्ट है, यानी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। और फिटनेस केवल तन की नहीं, अपितु मन की यानी आत्मा की भी आवश्यक है। एक अजीब सी इनसिक्योरिटी, एक अजीब सा डर कुछ होने का, कुछ खोने का आज हर एक इंसान के मन में, जहन में बस चुका है। और यही डर जो अंतर आत्मा का है, हमारे तन के अंदर भी टॉक्सिन्स क्रिएट कर देता है और मन के साथ साथ शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को भी घटा देता है। इसलिए नव वर्ष पर सबसे जरूरी सौगात जो हम सभी एक दूसरे को दे सकते हैं वो है हिम्मत और चेहरे पर एक निश्चिंतता की मुस्कान। सभी के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना का वरदान कि सभी का भला हो। चाहे कोई कैसा भी है, कुछ भी करता है, कैसा भी बोलता है, परंतु मन में सभी के लिए शुभ भावना। सिचुएशन चाहे कितनी भी नेगेटिव हो, परंतु हमारा एटीट्यूड सिचुएशन के प्रति सदा पॉजिटिव रहे। चाहे व्यक्ति में कितने भी अवगुण हो, परंतु हमारा दृष्टिकोण सदा गुण देखने का ही रहे। आप सोचेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, परंतु इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना ये तो परमात्मा का कार्य है। और इसलिए इस नव वर्ष पर हम आप सभी को कुछ ईश्वरीय युक्तियाँ, कुछ गॉडली टिप्स देना चाहते हैं, ताकि आप सभी का जीवन सदा निश्चिंत, सदा मेहनत मुक्त और एक दूसरे के प्रति सदा शुभ भावना और शुभकामनाओं से संपन्न रहे। जैसे ही सुबह उठें, सबसे पहले गॉड को गुड मॉर्निंग कहें। कहते भी हैं कि सुबह जिसकी शक्ल देखते हैं वैसे ही दिन जाता है। तो सुबह सुबह स्वयं ज्ञान सूर्य को अपने सम्मुख महसूस करें और फील करें कि उस ज्ञान सूर्य परम पिता परमात्मा की सुखदायी शांतिमय किरणें, शक्तिशाली किरणें मुझ पर, मेरे परिवार के हर सदस्य पर पड़ती जा रही है। परमात्मा अपना वरदानों भरा हाथ मेरे सिर पर रख रहे हैं। इस सकारात्मक चिंतन से दिन की शुरुआत करें। इसके बाद हम सभी करते हैं नित्य क्रिया। इसमें सबसे पहले हम दांतों को साफ करते हैं। तो जब दांतों को साफ करें तो साथ साथ स्मृति में लाएं कि जैसे ये दांत साफ हो रहे हैं, वैसे मुझे अपने मुख को, मुख से निकलने वाले हर शब्द को भी स्वच्छ बनाना है, मृदु बनाना है। मन से कड़वाहट भरी दुर्गंध सदा निकल जाए, सदा सबके लिए मिठास भर जाए। इसके पश्चात जब हम अपने शरीर को स्वच्छ करते हैं, स्नान इत्यादि करते हैं, तो भी मन में ये शुभ भावना रखें कि जैसे पिछले दिन की मैलेपन को हमने इस साबुन से, इस पानी से धो दिया है, वैसे ही मन में जो पिछले दिनों में किसी व्यक्ति के प्रति, किसी संबंध के प्रति जो मैलापन भर चुका है, इसी पानी के साथ, इसी साबुन के साथ उस मैलेपन को भी धो रही हूँ। तो मन को भी साफ करें और तन को भी साफ करें। स्नान आदि करने के बाद
जब हम भोजन बनाते हैं या भोजन खाते हैं तो भी परमात्मा को याद जरूर करें, और भोजन को केवल भोजन समझकर नहीं अपितु प्रसाद समझकर ग्रहण करें, क्योंकि कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन। तो इसीलिए यदि हम मन को शुद्ध करना चाहते हैं तो अन्न को भी परमात्मा का प्रसाद समझकर ग्रहण करें, तो वह अन्न भी आपके तन को शक्तिशाली और सदा निरोगी बनाएगा। इसके पश्चात जब हम कहीं जाते हैं, कहीं से आते हैं, तो हमेशा परमात्मा को साथ ज़रूर ले जाएं, क्योंकि अक्सर हम अकेले ट्रैवल करते हैं और अकेले में डर रहता है कि कभी कुछ हो ना जाए। तो सबसे बड़ी सिक्योरिटी, सबसे अच्छी सेफ्टी तो स्वयं परमपिता परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है वही प्रदान कर सकता है। तो दिल से कहे कि बाबा, हे परमपिता परमात्मा, आप मेरे साथ आ जाओ। बिल्कुल ऐसा फील करो जैसे कि भगवान ने आपका हाथ पकड़ लिया है। गाड़ी ड्राइव करो, स्कूटर ड्राइव करो, तो भगवान को अपने साथ बिठा लो। भगवान आपकी सीट तो नहीं लेगा, परंतु हाँ, आपके मन को ज़रूर शक्तिशाली बना देगा। और यदि आप घर पर भी रह रहे हैं तो घर को घर नहीं अभी तो परमात्मा का मंदिर समझें, घर को भी सेवा स्थान समझें, और यदि ऑफिस जा रहे हैं तो उसको भी परमात्मा का सेवा स्थान समझें। तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि हम गवर्नमेंट सर्विस नहीं, घर वालों की सेवा नहीं, अभी तो ईश्वरीय सेवा पर उपस्थित है, और ईश्वरीय सेवा का मेवा तो खुद भगवान आपको दे देगा। और जब कभी मन भारी हो तो एक मित्र की तरह परमात्मा को अपने मन की सारी बात बताएं, उनसे रूह रिहान करें, और साथ ही यदि मन का कोई बोझ हो तो वो भी परमात्मा को अर्पित कर दें। और रात्रि को जब सोने जाओ तो परमात्मा को अपनी दिनचर्या का सारा हाल सुनाकर उनकी गोदी में निश्चिंत स्थिति से सो जाओ। तो ऐसे यदि हम हर दिन अपने जीवन का परमात्मा के साथ उनकी याद से बिताते हैं तो आप देखें कि सच में ये नया साल आपके जीवन में एक नवीन परिवर्तन लेकर आएगा। आपकी आंतरिक स्थिति को इतना ऊंचा उठाएगा कि हर परिस्थिति उसके समक्ष छोटी हो जाएगी। तो इस वर्ष आप सभी परमात्मा की याद, परमात्मा के साथ से सदा हर कर्म में सफलता मूर्त बने, यही हमारी शुभ भावना व शुभकामना है। एक बार फिर आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम शांति।